ग्राम मूर्छना किसे कहते हैं और ग्राम मूर्छना की एक्सरसाइज क्या है। जिन लोगों ने 10 थाट भारतीय शास्त्रीय पद्धति के, जो उत्तर भारतीय पद्धति के पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के बनाए हुए 10 थाट समझे और 12 पिचेस का उसे नॉलेज है कि कौन से पिच से उस थाट को बजाया जा सकता है, हारमोनियम का जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज है, या किसी भी दूसरे वाद्य यंत्र, स्वर वाद्य यंत्र का टू बी वेरी स्पेसिफिक उसे नॉलेज है, तो ये टॉपिक उसके लिए बड़ा ही सरल हो जाएगा समझना। अन्यथा अगर वो सिर्फ गायक है तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन मज़ा उसको भी आ जाएगा अगर ये टॉपिक उसने समझ लिया। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको सुर में इतना पक्का कर देगी, अगर इस एक्सरसाइज को आपने अभ्यास किया, कि कोई भी आपको फिर बेसुरा नहीं कर पाएगा, या यूँ कहें कि कोई भी चमत्कार, कोई भी ऐसा उछल कूद राग से राग में या स्वरों में आपको कभी बेसुरा या मुश्किल नहीं लगेगा, इतना आसान लगने लगेगा। ये ऐसे खिलाड़ी आप बन जाएंगे। ये वो एक्सरसाइज है जो बड़े बड़े दिग्गजों ने करी है, ये वो एक्सरसाइज है जो बड़े बड़े शास्त्रीय संगीत के गायकों ने करी है, ये वो एक्सरसाइज है जो मदन मोहन जी ने अपनी फिल्मी गानों में इस्तेमाल की और गुलाम अली जी ने अपनी गज़लों में इस्तेमाल की है। ये वो एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी मैंने बहुत ज़्यादा बिल्डअप तो कर दिया है और ये वाकई इस बिल्डअप के लायक थी ये एक्सरसाइज, इसीलिए मैंने किया है, लेकिन ये मुश्किल भी उतनी ही है। भाई स्वाभाविक है ना, जो जिसका असर इतना बड़ा होगा तो स्वाभाविक है फिर वो मुश्किल भी बड़ी होगी, है ना। लेकिन आप करेंगे तो मज़ा ज़रूर आपको आ जाएगा। थाट और पिच की नॉलेज ज़रूर आपको इसके लिए होनी चाहिए। तो ये हो सकता है बिगिनर्स के लिए ना हो वीडियो, ये एक्सरसाइज थोड़ा फर्दर एडवांस स्टूडेंट्स की तरफ जा रही है या इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की तरफ जा रही है, लेकिन ये एक्सरसाइज संगीत प्रवाह वर्ल्ड में, स्वरांगिनी द म्यूजिक बुक ऑफ संगीत प्रवाह वर्ल्ड जो हमने रची है, जो मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी ने रची है, उसको जिसने किया है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। हाँ, इसका अमल मुश्किल है लेकिन इसको समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसकी समझ उसको जल्दी से हो जाएगी। तो क्या आप उनमें से एक हैं, और अगर नहीं हैं तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस और उन स्टूडेंट्स में से एक बन जाइए। बाकी अगर आपको ऑलरेडी उस चीज़ की समझ है थाट और पिच की, तो ये एक्सरसाइज आपकी है। पूरा वीडियो देखिए, मैं पूरा समझाता हूँ इसको कि कैसे थाट, पिच और मूर्छना जो है आपके काम आ सकती है। सुनी मैं हरि आवन की आवाज, सुनी मैं हरि आवन की आवाज। ग्राम मूर्छना शब्द सुनते ही हमको एकदम शास्त्रीय संगीत वाली फीलिंग आती है, हमें लगता है मतलब ये टॉपिक तो हमारे समझ का है नहीं, इसको छोड़ो, क्योंकि हम तो भैया फिल्मी गाते हैं, भजन गाते हैं, गजलें गाते हैं, अपने कव्वालियां गाने गा लेते हैं, हमारे क्या काम आने वाली है ये एक्सरसाइज। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने बोला है, थाटों का रियाज, पिच का रियाज, लय, ताल, बांट, लयकारी का रियाज, स्वर का रियाज, ये हर एक गायक के लिए है, भले ही फिर आप कोई सा भी जॉनर ले रहे हो, क्योंकि ये जो रियाज है ये एक्सरसाइज में आता है। ये वो एक्सरसाइजेज हैं शास्त्रीय संगीत की जो आपके दिमाग में और गले में, स्वर में इतनी वृद्धि करती हैं, समझ में इतनी वृद्धि करती हैं कि फिर आप एक खिलाड़ी बन जाते हैं, जो हमारे एक गुरुजी हैं उनकी भाषा में कहें तो पपैया बन जाते हैं, यानी इतने तैयार हो जाते हैं कि इधर से उधर आप स्वरों में कूद सकते हैं, इधर से उधर लय का खेल आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो देर न करते हुए जल्दी से इस एक्सरसाइज को समझाता हूँ, क्योंकि मैं इसका थ्योरेटिकल और अमल वाला पार्ट, यानी एप्लीकेशन वाला, इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट समझाऊंगा तो ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, मुझे मालूम है, और उतना इंतज़ार, उतना सब्र लोगों में होता नहीं है, तो जल्दी से समझाना शुरू करता हूँ। ग्राम, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ग्राम किसे कहते हैं। तो ग्राम शब्द जो है उसका अर्थ निकाला जाए तो घर या गांव से होता है, लेकिन संगीत शब्द, संगीत में जब ग्राम शब्द इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है सा, अंश स्वर आपका, यानी वो सा, वो गांव, वो घर जहां से आप शुरू करते हैं, सा, ये पहली काली का सा है। अब यहां से लगेंगे जो ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद जो लग रहे हैं, उनकी पहचान, उनका अस्तित्व सा से है। अगर सा बदल जाए तो वो रे रे न रह के हो सकता है कोई दूसरा स्वर माना जाए, जैसा कि निदा फाजली साहब, एक मशहूर शेर है उनका कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, यानी वो बड़े रोल, बड़े लेयर्स होते हैं उस इंसान में, उसको समझना पड़ता है, बहुत गौर से देखना पड़ता है तो पता चलता है। और इसका एक मानी, एक भाष्य, एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकलता है कि उस आदमी के कई कैरेक्टर्स हैं, यानी मैं किसी का भाई हो सकता हूँ, किसी का बेटा हो सकता हूँ, किसी का महबूब हो सकता हूँ, प्रेमी हो सकता हूँ, किसी का दोस्त तो किसी का दुश्मन भी हो सकता हूँ, किसी का शिष्य हो सकता हूँ, किसी का गुरु हो सकता हूँ। तो हर आदमी में 10-20 आदमी हैं भैया, बहुत से कैरेक्टर्स, बहुत से किरदार वो निभाता है। उसी तरह से हर सुर में होते हैं
बारह सुर, यह मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 10-20 नहीं बोलूँगा, 12 सुर बोलूँगा, क्योंकि 12 नाम होते हैं उस सुर के। आपके सा को मैं रे ग म प ध नी भी बोल सकता हूँ, वो कोमल रे कोमल ग कोमल ध कोमल नी भी और तीव्र म भी बोल सकता हूँ, उसके ही 12 नाम ले सकता हूँ। और अगर प्रॉपर चले जाओ एकदम ही स्वर की गहराई में तो फिर तो 22 नाम बनते हैं भाई साहब, क्योंकि 22 श्रुतियाँ होती हैं, यानी उसी स्वर के 22 स्वरूप बना सकता हूँ मैं, अगर मैंने नज़रिया यानी मेरा ग्राम यानी मेरा सा बदल दिया तो। ठीक है, षड्ज मध्यम ग्राम, षड्ज पंचम ग्राम, षड्ज गंधार ग्राम आप लोगों ने बड़ा सुना होगा शास्त्रीय संगीत में, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक जाता है, उसी को उसी पर हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, उसको सरल कर देंगे कि कैसे आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ग्राम आपको समझ आया। अब मूर्छना शब्द जो है, वैसे मुझे नहीं पता शास्त्र में इसका क्या मीनिंग है, लेकिन मूर्छित हो जाना यानी बेहोश हो जाना, अपना होश खो बैठना, अपना कॉन्शियसनेस खो बैठने को हम कहते हैं मूर्छित हो गया, तो मूर्छना हो गई। तो एक ज़रा ऐसे ही अगर इसको समझें तो मूर्छना होने पे क्या होता है, आदमी अपनी जगह नहीं रहता ना, वो हट गया उस जगह से, गिर गया, और वो भी पता भी नहीं चला कि कैसे गिर गया, है ना, उसे हम मूर्छित होना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पिच जब बदल जाता है तो थाट मूर्छित हो जाता है। थाट जो है जिसे हम अंग्रेज़ी में अगर वेस्टर्न म्यूज़िक में जाएं तो उसे स्केल कहा जाता है, कि बिलावल स्केल, भैरवी स्केल, है ना, या उनकी भाषा में उनके स्केल्स का नाम लें तो मेजर स्केल, माइनर स्केल, या ब्लूज़ स्केल, जैज स्केल, ये उनके स्केल्स हैं जिनके सानी, उनके पैरेलल हमारे यहाँ पे दूसरे राग बनते हैं, जैसे जैज को तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ ब्लूज़ का ज़रूर हमारे यहाँ भीमपलासी के थोड़ा बहुत करीब जाता है, भीमपलासी या धानी के करीब जाता है, उसमें थोड़े मध्यम के थोड़े एक्सेप्शंस कर दो, दो माँ लगा दो तो धानी में दो मध्यम लगाने पर शायद ब्लूज़ स्केल बन जाता है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं समझा रहा हूँ जिनसे आपको। तो मूर्छना वैसा ही कुछ है कि सा के कितने नाम हो सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जिसका आपको ख्याल रखना है, स्वर या अक्षर और श्रुति अलग अलग होते हैं। श्रुति यानी वो साउंड है जिस पर वो अक्षर बोला जा रहा है, सा रे ग म प ध नि, ये बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये पहली काली का सा है, सा, यहां पर सा रे ग म प ध नि, सात अक्षर बोल दिए मैंने, सातों स्वर इसी पे बोल दिए, इसी श्रुति पे बोल दिए। अब इसका उल्टा करूं तो सा रे ग यानी ग रे सा, यानी जो श्रुतियां चल रही हैं उन पे वो अक्षर ना बोल के कोई दूसरे अक्षर बोल दिए, लेकिन कैसे बोले वो कब बोल सकता हूं, जब मेरा सा अलग होगा, ये सबसे पहले आपको करना होगा। इस पे मैं क का के कोई सा भी अक्षर बोल सकता हूं, मेरा नाम निषाद है, कुछ भी बोल सकता हूँ, यानी श्रुति वही रहेगी, अक्षर बदलते रहेंगे, ये सबसे पहले आपको दिमाग में ढाल लेना है, क्योंकि अभी जब मैं करूँगा तो यही करूँगा कि उनका श्रुतियाँ वही रहेंगी, यानी जो ला रा 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 आ हा 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 श्रुतियाँ वही रहेंगी, अक्षर बदल जाएंगे, जैसे अभी मैंने किया, पहले ला 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 कर लिया, आ कर लिया, फिर कर दिया, ऐसे ही मैं और भी बहुत सी श्रुतियाँ और भी बहुत से अक्षर बदलूंगा, यानी सारे गमा पधनी सा ही बदल दूंगा, जैसे मैंने एक उल्टे सप्तक का रियाज दिया हुआ है, सारे गमा पधनी सा सानी ध प म ग रे सा, इसको मैं पढ़ूंगा सानी ध प म ग रे सा, सारे गमा पधनी सा, यानी सारे गम पध नी की श्रुति में मैंने अक्षर बोले सा नि ध प म ग रे, और नि ध प म ग रे सा की श्रुति में मैंने बोले सारे गम पध नी, समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा उल्टा और मुश्किल पड़ता है, लेकिन ये उल्टे सप्तक का रियाज आपको श्रुति और स्वर में विभिन्नता पैदा कर देता है, भिन्नता पैदा कर देता है, क्योंकि यही वो दिक्कत होती है, हम अक्षर में जब गाने जाते हैं तो सुरीले गाते हैं, लेकिन आकार में या कोई दूसरा शब्द उसमें बिठा दो तो बेसुरे हो जाते हैं, जबकि वही सारे गम बदनी सा सुर में गवेगा, लेकिन आ इसमें बेसुरापन आ सकता है ना, या मेरा नाम निषाद है इसमें बेसुरापन आ सकता है, लेकिन जब वो अक्षर बोल रहे थे तब सुरीलापन आ रहा था, तो ये इसीलिए है क्योंकि हमने अक्षर और श्रुति को एक ही मान रखा है। अभी हम उसको तोड़ेंगे, जैसे कि पहली काली से मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, बिलावल थाट बजाऊं तो सारे ग म प ध नि सा, अब देखिएगा नोट्स यही सारे लगने चाहिए, इसका बिना हारमोनियम का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए पहले साज के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काम वही कर सकता है जिसने संगीत प्रभा वर्ल्ड की स्वरांगिनी का सिलेबस फॉलो किया है और 10 पेज के अलंकार जो उसमें दे रखे हैं उन्हें 10 थाटों में किया है, सबसे पहले तो बिलावल में किया 10 पेज के अलंकारों को, भैरवी में किया, कल्याण में किया, भैरव में किया, मारवा में किया, पूर्वी, थोड़ी, खमाज, भैरव, काफी, आसावरी सब में कर लिया, और उसके बाद
पिच बदला, अब दूसरे सुर को सामान के वही सारा काम किया, तो ये काम 10 पेज के अलंकार 10 थाटों में 12 पिच से यानी 1200 पेज बन जाना वो जिसने किया, या भले एक एक अलंकार भी किया हो समझने के लिए, वही इस एक्सरसाइज को आसानी से समझ सकता है, वरना मुश्किल पड़ेगी भैया आपको। सारे गामा पधनी सा सानी दा पा मा गरे सा, यही सुर लगाने हैं, सानी धा प मा, नीचे भी और सारे गा मा गा रे सानी धा प मा गा रे सानी धा प धनी सा, यानी स्वर इनमें से कोई दूसरे नहीं लगेंगे, श्रुतियां इनमें से कोई दूसरी नहीं लगेंगी, इनके अक्षर बदल जाएंगे। कैसे सा, अब आप जानते हैं एक ही सुर के 22 नाम बन सकते हैं अगर श्रुतियों में जाएं, और 12 नाम बन सकते हैं अगर स्वरों में ही रहें, और 7 तो बन ही सकते हैं अगर शुद्ध शुद्ध बोलें तो, सारे गा मा प धनी है ना। अब रेगा मा पधानी जो है इसमें कोमल बोला कि तीव्र बोला किसी को नहीं पता है ना, मैंने सारे गा मा पधानी ये 7 अक्षर बोल दिए हैं। अब आइए रे को अगर सा मान लिया जाए और यही सुर बजाए जाए तो क्या कोई थाट बदलता है वहां या नहीं बदलता है वो देखिएगा। रेगा मा पधानी सारे, सारे गा मा पधानी सा, बिलावल के ऋषभ से मैंने रेगा मा पधानी सा बोला है तो क्या दूसरी काली से कोई थाट बन रहा है? तो अगर एक सारणी है अगर वो आपने याद करी है तो आप थाट जल्दी से निकाल लेंगे, और वो है सा कोमल रे शुद्ध रे कोमल ग शुद्ध म तीव्र म प कोमल ध शुद्ध ध कोमल नी और शुद्ध नी। ये 12 सुर की सारणी है, अगर ये आपको याद है तो हारमोनियम के किसी भी सुर पे आप हाथ रख लीजिए, वहां से सारे गा मा पधानी सा तो आप जरूर निकाल लेंगे है ना। भले ये यहां से हो तो ये बिलावल, यहां हाथ रख दिया ये यहां से बिलावल, यहां रख दिया, यानी ये मैंने क्या किया सा लिया। अब मुझे अगर भैरव थाट बजाना है तो मुझे पता है कि रेध कोमल है, यानी अन्य सुर जो होंगे उन्हें मैं हटा दूंगा वहां से, यानी कि सा कोमल रे ले लिया, शुद्ध रे कोमल गा छोड़ के शुद्ध गा ले लिया, शुद्ध मा ले लिया, तीव्र मा छोड़ के प ले लिया, कोमल धा लगा लिया, शुद्ध ध छोड़ के कोमल नी छोड़ के शुद्ध नी ले लिया तो नी धा प मा गा रे सा, ये भैरव थाट निकल गया। ठीक है, अगर ये आपको आता है तो यही काम दूसरे पिच से भी आप कर पाओगे, किसी भी पिच से कर पाओगे। तो सा से यानी कि बिलावल के षड़ज से तो बिलावल बनता है, लेकिन बिलावल के ऋषभ से थाट काफी बनता है। कैसे? रे ग म प ध नी सा रे, और अगर आपको दूसरी काली से बजाना आता है तो यह है सा शुद्ध सा कोमल रे शुद्ध रे कोमल ग शुद्ध ग शुद्ध म तीव्र म प कोमल ध शुद्ध ध कोमल नी और शुद्ध नी। तो कौन कौन से हमने लगा लिए, सारे ग कोमल घ मा प द कोमल ही सा, तो ये सारे ग मा प द नी सा बिलावल से, सा नी ध प म ग रे सा बिलावल, ऋषभ से यही सुर लगाएंगे, रे ग मा प द नी सा रे रे नी रे सा नी ध प म ग रे। अब इसके अक्षर बदल देंगे, सारे ग मा प द नी सा नी ध प म ग रे सा, तो ये थाट बना हमारा काफी। अब यही काम हमें हर एक सुर से करना है। अगर निषाद को सामान लिया जाए, जो मूर्छना है वो आगे गिरने के बजाय पीछे गिर जाए तो क्या होगा? नी सारे ग म प ध नी सारे ग म प ध नी सा। अब आप यहां देखेंगे थाट का एक नियम है, राग में भी ये नियम अप्लाई होता है, लेकिन ललित के अलावा मुझे शायद ध्यान नहीं कि किसी राग में ये नियम का खंडन होता हो। और वो नियम ये है, एक ही सुर के दो रूप एक के बाद एक नहीं लगाए जाते, यानी क्रोमेटिकली नहीं लगाए जाते। जैसा कि आप जानते हैं ऋषभ दो हैं, तो सारे रे ग ये किसी थाट या किसी राग में नहीं होगा, या सारे गा गा ये किसी राग का नियम नहीं है। ये लाइट म्यूजिक में हो सकता है, शास्त्रीय संगीत में राग गाते समय या थाट गाते समय ऐसा नहीं होता है, सिवाय ललित के। ललित में है कि दोनों मध्य में एक के बाद एक लगते हैं। नी रे ग म म म ग रे ग म ग रे सा नी रे ग घ म म म ग, ये ललित में लगता है, और मुझे नहीं याद कि किसी राग में होता हो, शायद होता भी हो, मेरी नॉलेज में कमी हो सकती है। ठीक है, तो हम आपने क्या देखा कि हमने बिलावल में सारे ग म प ध नी इन्हीं सुरों को नी से गाया, नी सारे ग म प ध नी यानी सारे ग म प ध नी सा। तो आपने देखा कि सारे ग तक तो ठीक था, कोमल रे और कोमल ग बन रहा था पहली सफेद के हिसाब से, लेकिन सारे ग म म दो म लग गए, सारे ग म म ध नी सा सा नी ध म म ग रे सा, क्योंकि पहली सफेद का पंचम ये है और ये तीव्र मध्यम है, तो यहां से कोई थाट नहीं बना। तो ऐसा भी होता है,
यहाँ पिच का कोई लेना देना नहीं है, ये पिच का सिर्फ इतना लेना देना है कि आपको बजाने पे मालूम चल रहा है कि ये दूसरी काली से है, ये पहली सफ़ेद से है, वरना ये गा के सुनोगे तो अपने आप मालूम चल जाएगा कि थर्ड काफी जा रहा है, थर्ड भैरवी जा रहा है। यही सेम काम चौथी काली से भी करोगे तब भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे सारे गमा पधा नी सा, इसके भी ऋषभ से जाओगे तो काफी ही बनेगी। सारे गमा पधा ने सा ने दा पा मा गा रे ने दा पा दा मा गा रे सारे गमा पा, ये काफी बन गई जो पांचवी काली से बनी। पांचवी काली क्या था? इसका ऋषभ था, ठीक है। तो यानी उस स्वर से आपको निकालना आना चाहिए। अब ये एक्सरसाइज मैं आपको बिलावल में करके दे रहा हूं, बाकी 9 थाटों में आपको होमवर्क करना है, खुद से करना है। हो सके तो मेरे नंबर पे करके भेज देना, वरना मैं आगे एक फोटो दे ही दूंगा जिसमें मैंने खुद ने ही सब बनाकर रख रखा है, उससे खुद को जांच लेना कि कितना आप सही थे कितना नहीं। गंधार से यही करने जाओ, ग म प ध नि सा रे ग ग रे सा नि ध प म घ, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म घ रे सा। तो अगर देखो तो कौन सा थाट बन रहा है, ये भैरवी बन रहा है चौथी सफेद से। सा रे कोमल ग कोमल शुद्ध मा प कोमल ध कोमल नि सा नि ध प म घ रे सा। शुद्ध मा से यही काम करने जाओ। सुर देख रहे हैं आप, मैंने कोई सा एक्स्ट्रा नहीं लगाया, कोई विवादी सुर नहीं लगाया, उन्हीं स्वरों का इस्तेमाल, उन्हीं श्रुतियों का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक के बाद एक थाट बदलते जा रहे हैं। मध्यम को सामाना तो सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म घ रे सा। तो आप देख रहे हैं तीव्र म का प्रयोग करके यहां से ये कल्याण थाट बन रहा है। पंचम से यही काम करो, मैं नीचे गा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। तो ये आपका खमाज थाट बन रहा है, सा रे शुद्ध ग म प ध कोमल नी सा। दहवत से जाओगे तो आसावरी थाट बन रहा है, रे मा दा मा पा गा रे ग सा रे ने सा। ये आपका आसावरी थाट है, सा रे कोमल ग म प कोमल ध कोमल नी सा, और नी से हमने देखा कोई थाट नहीं बन रहा है। यानी हर एक थाट से 7 नए थाट बन सकते हैं। बिलावल के षड्ज से बिलावल, ऋषभ से काफी, ग से भैरवी, म से कल्याण, प से मेरे ख्याल से क्या बना था, खमाज, ध से आसावरी, और निषाद से कोई थाट नहीं बना। यही काम आप भैरवी कल्याण भैरव मारवा पूर्वी तोड़ी हर थाट में करके देखिएगा, काम हो जाएगा। वरना ये फोटो स्क्रीन पर आ रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए, खुद ब खुद मैंने काम आप लोगों के लिए करके रख रखा है। लेकिन जब ये खुद से करोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा और अपने आप को जांच आप इस तस्वीर से सकते हो। मूर्छना पे मैंने कई बार बात करी है पहले ऑलरेडी, तो उन प्लेलिस्ट्स को भी आप देख लीजिए, उन वीडियोस को भी आप देख लीजिए। जैसे कि अतरंगी रे मूवी एक आई थी, उसमें रहमान साहब का एक गाना था, यार रहमान जी की कॉम्पोजिशन थी तुम्हें मोहब्बत है, जो अरिजीत सिंह साहब ने गाया और इरशाद कामिल साहब के उसमें शब्द थे। तो उस कॉम्पोजिशन में कैसे उन्होंने इसी मूर्छना का इस्तेमाल करते हुए, कई रागों का इस्तेमाल करते हुए काम किया है। एक चीज़ होती है शास्त्रीय संगीत में तिरोभाव आविर्भाव, इसमें भी राग बदली जाती है, लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है इसमें संप्रकृति राग में जाने का चलन है। जैसे कामोद गाते गाते आप हमीर में गए और दोबारा कामोद में आ गए, इसमें पिच नहीं बदला जाता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में पिच बदल रहा है, यानी आपका ग्राम बदल रहा है पूरा का पूरा, वहाँ से थाट बदल जाता है। ऐसा नहीं किया है कि बिलावल गाते गाते भैरवी उसी सुर से गाइए, नहीं, भैरवी गाने के लिए मैंने गंधार को सामान लिया और वहाँ से भैरवी गाने लगा। तो इसमें क्या हुआ कि अगर मैं उसे ऐसे गाऊँगा तो ये बिलावल चल रही है, लेकिन तो आपने देखा मुझे सुर नहीं बदलने पड़े, मैंने सिर्फ राग बदल दी एक पिच बदल के, मुझे कोई दूसरा सुर कोई दूसरा नोट इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। ये खास करके इंस्ट्रूमेंटल वालों के लिए है, सितार वालों के लिए, फ्लूट वालों के लिए, या फिर सारंगी के लिए, वायलिन के लिए, जिनको बार बार स्वर मिलाना पड़ता है, तो उनके लिए ये खासियत हो जाती कि उन्हें फिर मिलाना नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ एक स्वर बदल के वहां से वो कोई दूसरा थाट बजा लेते हैं। उनका अगर सितार पहली काली पे मिला है और वो बिलावल में बजा रहे थे और मैंने कहा नहीं यार मैं तो भैरवी गा रहा हूं चौथी सफेद से, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं गंधार को सामान के बजा लूंगा, उनकी भैरवी हो गई वहां से, है ना। फॉर एग्जांपल ये मैंने दिया। एक मूर्छना का वीडियो था जो सबसे पहला था, जिसमें मेरे दादा गुरुजी पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी के साथ मैं बैठा हुआ हूं, वो मुझे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार मूर्छना होती क्या है, वो एक वीडियो था।
और मैंने एक हारमोनी पे वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाई थी हारमोनी क्या होती है, उसमें भी मूर्छना का मैंने जिक्र किया था। खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, जो एक मूवी आई थी बेचारा दिल बेचारा, जो सुशांत सिंह राजपूत जी जिसमें लीड थे, उसमें रहमान साहब का म्यूज़िक था, ये भी अरिजीत सिंह साहब का गाया हुआ है। ये भी ऐसी ही मूर्छना और ग्राम पे कॉम्पोजिशन है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लासिकल की चीज़ है, ये बड़ी फिल्मी में भी इस्तेमाल होती है। ये वो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मैं कहता हूँ 10 थाट का अभ्यास आप कीजिए, 12 पिच सीखिए, लय लयकारी बांट इन चीज़ों को सीखिए। ये ऐसी नहीं है कि इंडियन क्लासिकल की चीज़ें हैं, ये एक्सरसाइजेज हैं जिनसे दिमाग में समझ में वृद्धि होती है आपके। फिर आप इन्हें लाइट में इस्तेमाल कीजिए, वेस्टर्न में इस्तेमाल कीजिए, कहीं भी इस्तेमाल कीजिए, है ना, आप स्ट्रांग माइंड वाले बन जाते हैं, स्ट्रांग समझ वाले बन जाते हैं। अब ये तो मैंने करके दिखा दिया बिलावल में, भैरवी में, कल्याण में, सब में आप खुद से करेंगे, नहीं तो ये फोटो है इसमें इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब छोटा सा एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा रागों में भी दे दूँ कि कैसे रागों में ये काम इस्तेमाल होकर और अलग अलग रागें बन जाती हैं, एक ही राग से दूसरी राग कैसे निकल के आती है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा भैरवी और आसावरी का, या फिर भैरवी और दरबारी का, या भैरवी और जौनपुरी का, क्योंकि जौनपुरी, दरबारी और आसावरी में एक ही स्वर लगते हैं, सेम प्रकार के स्वर लगते हैं, इसीलिए मैंने भैरवी के साथ तीनों को कंबाइन कर दिया। षड्ज मध्यम ग्राम इस्तेमाल करते हुए, यानी कि यहाँ से भैरवी बजाएंगे, सा रे ग म रे ग रे सा प द नि सा रे सा नि ध प ग म प ग म ग रे सा सा म। अब आपने अगर वो थाट वाली एक्सरसाइज कर ली हो तो आपको पता है कि भैरवी के मध्यम से आसावरी थाट बनता है, सारे ग कोमल ग म पद कोमल धनी सा सा नि ध ब म ग रे सा। ये आप अपने पिच से कर लीजिएगा, मैं तो पहली काली से करके बता रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। तो सारे ने सारे गा मारे रे पागा मारे सारे ने सारे धने पसा मगरे साधनी रे सारे गा म पद प मगरे ग सारे सा, है ना। तो भैरवी के मध्यम से दरबारी बन गई। देह नैनो इसी तरह से और भी कॉम्बिनेशन है, जैसे ललित और तोड़ी का है, ललित के मध्यम से तोड़ी बनती है, कलावती और आभोगी का है, कलावती के पंचम से आभोगी बनती है। लेकिन ये काम शास्त्रीय संगीत में क्यों नहीं होता है, इसका एक पॉइंट मुझे अभी ध्यान आया जो मैं आपको बताता हूँ, जो है रागों में श्रुति का प्रयोग। तोड़ी का गंधार और ललित का गंधार अलग अलग हो सकता है ना, दोनों ही कोमल हैं, अलग अलग हो सकता है। भैरवी का गंधार सीधा लगता है, तोड़ी का गंधार उतरा लगता है, दरबारी का या मियां मल्हार का मेरे ख्याल से गंधार थोड़ा सा चढ़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पे आंदोलन होता है, है ना। तो ये जो फर्क हैं, इस ही वजह से मूर्छना का प्रयोग जो है शास्त्रीय संगीत की गायकी में लोग नहीं करते, लाइट म्यूजिक में ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ वो गंधार उतना प्रॉपर लगाते ही नहीं, वो दरबारी को सरल करके गा देते हैं, उसकी श्रुति नॉर्मल कर देते हैं, जो गंधार आसावरी का है वही आसा गंधार वो दरबारी का भी मान लेते हैं, वही वो जौनपुरी का भी मान लेते हैं, जबकि गंधार अलग अलग है, है ना। तो जो श्रुतियों का फ़र्क है, यूँ कहें कि बहुत अति कोमल लगता है या चढ़ा हुआ लगता है, उतरा हुआ लगता है, वो समस्या आती है। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सारे ग म पद प, तो भैरवी का दैवत तो सीधा है साधा, लेकिन ये भैरवी का दैवत तीसरी काली से कोमल ग बन रहा है। अगर मैंने दरबारी गाई तो ये मुझे हल्का सा चढ़ा के गाना पड़ेगा, तो ये श्रुति का क्या विरोधाभास होता है। इसीलिए ये काम थाट में किया जा सकता है, राग में बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए इसको नहीं करते क्योंकि वहाँ श्रुति का विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखता हूँ आपको मैं आभोगी और उसका कलावती का, जिसका एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि आप वो देखिए, एक वीडियो है
जो पंडित जसराज जी के जो शागिर्द हैं पंडित संजीव अभ्यंकर जी, वो और अश्विनी भिड़े जी, ये दोनों मिलकर एक प्रस्तुति दे रहे हैं जिसका नाम है जसरंगी। आर्ट एंड आर्टिस्ट का चैनल है वो, जिसमें अनु कपूर जी बैठे हैं और दुर्गा जसराज जी हैं वो होस्ट कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में वो दोनों विभिन्न रागें गा रहे हैं, भिन्न रागें गा रहे हैं, दोनों अलग अलग रागें गा रहे हैं। मेरे ख्याल से संजीव अभ्यंकर जी गा रहे हैं कलावती और अश्विनी जी गा रहे हैं आप होगी। दो अलग अलग रागें एक ही समय पे, एक ही स्टेज पे वो दोनों प्रस्तुत कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? मूर्छना से। क्यों? क्योंकि कलावती के पंचम से आभोगी आती है। दो अलग अलग तबले वाले बैठे हैं, दो अलग अलग हारमोनियम वाले बैठे हुए हैं, जो संगत दोनों के अलग अलग अनुसार कर रहे हैं। दो अलग तानपुरे लगे हैं, यानी कुल एक प्रस्तुति अलग चल रही है, एक अलग चल रही है, और दोनों डुएट उसी राग को गा रहे हैं। दो अलग रागे गा रहे हैं लेकिन एक ही स्वर, माहौल नहीं बिगड़ रहा, माहौल ऐसा लग रहा है कि सुरीला ही है। क्यों? क्योंकि वो यही प्रयोग हुआ है मूर्छना का। कैसे? एग्जाम्पल दूं, पहली काली से कलावती, दने दा सा गा पा दने ने दा पा दा गा पा गा सा ने सा, निषाद कोमल है खाली, ऋषभ मध्यम वर्जित है, सा गा पा दने सा। पंचम को सामान लीजिए, यहां से बजाएंगे तो रे गा मा दा मा गा मा दा सा दा मा गा रे गा रे सा रे गा मा सा गा पा दा ने सा ने दा पा ने दा पा गा ने सा। ये राग बदल गई, देखिए, ये कलावती में आ गया मैं आभोगी से। ये तिरोभाव आविर्भाव नहीं था, ये मूर्छना, ये ग्राम मूर्छना करके मैं राग बदली है। दोनों हो सकता है संप्रकृति रागे ना हो, तोड़ी और ललित संप्रकृति नहीं है, लेकिन मैं एक से दूसरी में जा सकता हूं अगर मैं मूर्छना का प्रयोग करूं तो। एक एग्जाम्पल मैंने भैरवी और उसका दे दिया, तोड़ी और ललित का हो गया, और ये कलावती और आभोगी का हो गया। ऐसे कई और एग्जाम्पल बन सकते हैं, मुझे ये तीन अभी फिलहाल ध्यान आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप ढूंढेंगे तो आपको निकलेंगे। जैसे वो जब थाट वाली एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको कई सारे एग्जाम्पल निकलेंगे। ये तो हो गया साज के साथ इसको बजाना, इंस्ट्रूमेंट के साथ इसका अभ्यास या इसकी समझ। इसका तानपुरे पर अमल जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर तानपुरे में सिर्फ सा एक पिच का मिलता है और आप यहाँ से पिच बदलते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटी सी मैं एक बार एक्सरसाइज करके दिखा देता हूँ, और ये वही एक्सरसाइज है जो आपको सुर में सबसे ज़्यादा पक्का कर देगी। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, रे ग म प ध नि सा रे रे सा नि ध प म ग रे सा, रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा नि नि सा रे ग म प ध नि नि ध प म ग रे सा नि सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। बिलावल से काफी मैं चला गया हूँ, वही जो अभी बजा के बताया था वही गा के बता दिया है, लेकिन ये कितना मुश्किल काम है। सा नि नि सा रे ग म प ध नि नि ध प म ग रे सा नि सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा नि सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये जो एक्सरसाइज है, यही जो मैंने अभी बजा के बताई थी, इसी को गा के बता दिया, ये कितना मुश्किल पड़ जाता है। मैं भी इस कोई मास्टर नहीं हूँ इस एक्सरसाइज का, मैंने भी सीखी है, बस इसी को मैं अभ्यास करता रहता हूँ, रोज़ अभ्यास करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, उनके साथ अभ्यास करता हूँ, तो थोड़ी सी इसमें वृद्धि हो जाती है, समझ में वृद्धि हो जाती है, संभावनाओं में थोड़ी सी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं जब रागे या गाने बनाने होते हैं। मूर्छना का प्रयोग करके दो रागे मिलाने में आसानी हो जाती है, कुछ नया निकल के आता है, वरना एक ही राग में बनाते रहोगे तो लिमिट पड़ जाएगी। तो दो रागे मिला के बना लेते हैं, या उसमें थोड़ा परिवर्तन करने के लिए मूर्छना का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी वैरायटी आ जाती है, इसीलिए एक्सरसाइज की जाती है। बजा के बता दिए, गाकर जैसे अभी करके दिखाई ना, ऐसे करना बहुत मुश्किल पड़ेगा लेकिन मज़ा आ जाएगा करने में। थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ। सा रे ग सा रे ग
ग म प ध नि सा रे ग ग रे सा नि ध प म ग सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब ये आसान पड़ता है एक हद में अगर कोई थाट बन रहा हो तो, जैसे अभी मुझे आसान पड़ रहा था ऋषभ और गंधार से गाना, क्योंकि ऋषभ से तो वो काफ़ी बन रहा था और गंधार से भैरवी बन रही थी, तो मेरे दिमाग में मैंने भैरवी चला ली तो आसान पड़ गया और दोबारा मैं सामने आ गया। लेकिन निषाद से करना बड़ा मुश्किल पड़ा क्योंकि वहाँ कोई थाट नहीं बन रहा है, दो म एक के बाद एक लग रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल पड़ा। लेकिन ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके स्वरों में बहुत वृद्धि हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ। बहुत मुश्किल काम है लेकिन हो जाएगा, इसको हर थाट से करके देखिएगा। अभी तो मैंने सिर्फ बिलावल में बताया है ना कि भैरवी से, भैरवी के ऋषभ से कौन सा थाट बनता है और कल्याण के मध्यम से कौन सा थाट बनता है, वो करिएगा। अपने पिच से भी करेंगे तब भी सेम रिजल्ट मिलेंगे, कहीं से भी करें। बहुत लंबा टॉपिक था और अगर हकीकत बताऊं, ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रहा हूं। पहली बार मैंने ये वीडियो बनाया उसका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ और उसमें कई सारी चीज़ें रह भी गई थी, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने जब दोबारा रिकॉर्ड किया तो वो बातें क्लियर हो पाई। तो शायद ये ऊपर वाला चाहता था या कोई नसीब होगा, कुछ तो बात है इस वीडियो में। मुझे लग रहा है मैंने बहुत एक अच्छी बात बताई है, जो मेरे जीवन की बड़ी मुश्किल मुश्किल जो चीज़ें मैंने सीखी हैं ये उसमें से ही एक है। सो आई डोंट नो ये वीडियो कितना चलेगा, आई डोंट नो आप लोग कितनी इसको तवज्जो देंगे, लेकिन मेरी इच्छा थी बस इस बात को कह देने की, क्योंकि मैं क्लास में बताया करता था तो मुझे लगा मैंने YouTube तक अब तक ये बात पहुंचाई नहीं है। ये एक मुश्किल एक्सरसाइज, एक मुश्किल काम शायद पहुंचाया नहीं है, कोशिश की है, तवज्जो दीजिएगा। अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच गया तो मेरी मेहनत, मेरे गुरुओं की मेहनत सफल हो जाएगी। बहुत धन्यवाद।